चार बिल झारखंड विधानसभा में आज आए थे, जिसमें से तीन निजी विश्वविद्यालयों का बिल था। अब जो इस राज्य में निजी विश्वविद्यालयों का जो हालत है वो आपके सामने है। अभी 16 काम कर रहे हैं, इस क्रम में कुछ पास हुआ और आज मिला करके लगभग 22 विद्यालय जो हैं विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसमें जो क्लॉज है उसमें है कि आप 3 साल में अपना बनाइए, 3 साल के बाद आप अपना पूरा फर्निश करिए। लेकिन लोग 10-10 साल से कार्यरत हैं, आज भी उनका जो है UGC का कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। एक फ्लैट में, एक रूम में पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, और एक तरीके से आप देखिए तो ये केवल डिग्री बांटने का काम है। झारखंड राज्य के लाखों बच्चे अब इसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ का कोई नियम कानून इस विषय पर सरकार ने नहीं बनाया है। तो हम लोगों ने अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जितने भी आए थे उन पर इन सब बातों को पॉइंट आउट किया हम लोगों ने। एक विधेयक जो है उसको सरकार ने वापस भी लिया, सरकार ने माना कि वो गलत है और उसको वापस लेने का काम भी उन्होंने किया। दूसरा, आज नगर पालिका में जो आरक्षण संबंधी जो विधेयक था उसको इन लोगों ने पारित तो जरूर किया है, लेकिन उसका हश्र भी वही होगा जो नियोजन नीति का भी हुआ कोर्ट में जा करके, और संभवतः 1932 वाले विधेयक का भी उनका वही हश्र होगा। जो रोटेशन से आज मेयर या अध्यक्ष का चुनाव होता है उसको इन्होंने रोटेशन शब्द को हटा दिया, और अभी उन्होंने किया कि जनसंख्या के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जनगणना 2011 में हुआ था, 2022 में अभी ड्यू है, कब होगा इसका पता नहीं है। तो क्या तब तक ये इंतजार करेंगे और सभी नगर पालिकाओं को सब सुपरसीड करेंगे, जैसे धनबाद में अभी 2 साल हो गया आज तक वहां चुनाव नहीं हो सका, पता नहीं किस कारण से, बहुत पहले करना चाहिए था। तो हो सकता है इनके मर्जी में यह भी हो कि हम उसको सुपरसीड करके चलाएंगे, या हो सकता है कि 2011 के जनगणना पर उसको ही आधार मान करके उसको ये करें, दोनों ही गलत होगा। दूसरा, हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये भारत सरकार का विषय है, ये पार्लियामेंट का विषय है, इस विधानसभा में ये पारित नहीं हो सकता है। रोटेशन का 2 मापदंड आप लोगों ने लिया, एक कि जनगणना के आधार पर मेयर और चेयरमैन का चुनाव करेंगे, डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे, और जो वार्ड पार्षद का चुनाव है वो रोटेशन के आधार पर करेंगे। तो अगर एक ही बिल में 2 भावना हो तो ये बिल करेक्ट नहीं होता है, तो हो सकता है कि कोर्ट में जाकर के इसको निरस्त करना पड़े। लेकिन जो बेसिक विषय है जिस कारण से इनको ये बिल लाना पड़ा वो सर्वविदित, आप जानते हैं कि रांची को इन्होंने पहले जो ST था, मेयर के सीट को इन्होंने वहां से हटा करके SC किया, घोर विरोध हुआ इनका। विरोध के बाद इन्होंने ये रास्ता जो है अल्टरनेट रास्ता निकाल करके पुनः इस सीट को जो है ST करने का काम किया, और इस राज्य की लगभग 50 लाख SC बिरादरी के लोगों पर इन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। तो इनकी नियति इस बिल के पीछे केवल राजनीति की है, इनकी भावना और धारणा नहीं है कि जनसंख्या के आधार पर ये लोगों का करें। केवल रांची में ST को प्राश्रय देने के नियत से इन्होंने इस बिल को लाया है और आज इन्होंने पास किया है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसको कोर्ट में लेकर के जाएगा तो संभवतः इसका वही फेट होगा जो नियोजन नीति वाले मामले का हुआ था।